हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बाफनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शादी समारोह में महिलाओं ने दरोगा को जमकर पीटा और फिर दरोगा का रिवाल्वर भी छीन लिया। हद तो तब हो गई जब महिलाओं ने दरोगा के बिल्ले तक नोच डाले, वह भी पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाओं ने। फिर क्या था, सूचना मिलते ही जिले के 6 थानों की सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने मैरिज हॉल को घेर लिया और जमकर बारातियों की धुनाई कर दी, जिसके बाद रिवाल्वर मिल सका। इस मामले में दूल्हे तथा उसके पुलिसकर्मी पिता समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में सिपाही को सस्पेंड करते हुए सरकारी काम में बाधा डालने तथा डकैती आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट की घटना मैरिज हॉल में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी है। ममता यादव की शादी दिनांक 18 को वैभव लाल ने होनी थी। बारात आई थी, बाराती कुछ शराब वराब के नशे में दीन थे, मस्त थे। उन लोगों ने उन्हें गुंडागर्दी और गुंडागर्दी की वजह से उसने मारपीट की, अपनता जाहिर थी। मारपीट में इसी संबंध में पुलिस सबको बिखरा हुआ भोजन, टूटी कुर्सियां, सब कुछ अस्त व्यस्त सामान, ये समझाने के लिए काफी है कि इस मैदान में कोई जंग ही लड़ी गई होगी। आपको बताते चले कि बाराती पक्ष के दूल्हे के पिता सुघर सिंह हरदोई के सुरसा थाने में पैरोकार हैं और ये बवाल मचाने के मास्टरमाइंड भी। बाराती पक्ष ने रात 1 बजे हरदोई के वैभव लॉन में जो उत्पात मचाया है उसकी वजह नशा थी। वधू पक्ष के साथ शुरू हुई मारपीट पुलिस कर्मियों की मारपीट तक पहुँच गयी, ये अपने आप में बड़ी दहशत पैदा करने वाली बात थी। दूल्हे के पिता सुघर सिंह और दूल्हे समेत कई बारातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस आरक्षी के लड़के और वधू पक्ष के बीच आपस में मारपीट की सूचना पर जो है पुलिस पहुंची और उसमें जो पुलिस के दरोगा श्री संजय शर्मा थे उनके साथ दोनों पक्षों ने बस रोकी की और पुलिस में मदद की। साथ ही उनकी सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली, जिन्हें घेराबंदी करके और सर्विस रिवाल्वर बरामद की गई। आरोपीगण के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो दोषी आरक्षी है उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के प्रयासों के बाद दरोगा का सर्विस रिवाल्वर और 10 कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन इस घटना से एक बात तो जरूर समझ में आ गई है कि पुलिस का घटता इकबाल जहां एक ओर सरकार को कमजोर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आतंक और दहशत पर लगाम कसने में भी पुलिस नाकाम साबित हो रही है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।